मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा घाटशिला प्रखंड के हिंदला जुड़ी पंचायत अंतर्गत डांगरडाड मैदान में जमीन उपलब्ध करवाई गई है। इस उपलब्धि की खुशी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने ग्रामीणों के बीच लड्डू और मिठाई वितरित किया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि जगदीश भगत और झारखंड श्रमिक संघ के अध्यक्ष काजल डॉन ने संयुक्त रूप से ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्थानीय विधायक सहमंत्री रामदास सोरेन के अथक प्रयासों से क्षेत्र में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास होगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय क्षेत्र की लाइफलाइन के रूप में जाना जाएगा। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक सहमंत्री रामदास सोरेन का धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुखिया मिर्जा हांसदा, श्यामू टुड्डू, समाजसेवी दुलाल चंद्र हांसदा, मोहम्मद जलील, झुंझार सोरेन, दुर्गा चरण मुर्मू, बाबूलाल मुर्मू, मोहन सरकार, चंचल सरकार, अंकुर कोडी, प्रकाश निषाद, जय सिंह आदि उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। माननीय मंत्री रामदास सोरेन जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय गुरु शिवू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्राम वासी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये बहुत ही गौरव की बात है ग्रामवासियों के लिए भी और क्षेत्र के लिए भी। और हम लोग विशेष रूप से माननीय मंत्री श्री रामदास सोरेन को, राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को बधाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ताकि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, जो भारत में द्वितीय और इस क्षेत्र का पूर्वांचल का प्रथम यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, यहाँ का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और साथ ही साथ शैक्षणिक दृष्टिकोण से ये क्षेत्र विकास होगा, यही हम लोग शुभकामना देते हैं। ग्रामीणों को आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने काफी सहयोग करके इस मैदान को देने का काम उन्होंने किया है। जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान पोषण भी पढ़ाई भी के तहत गुरुवार को घाटशिला के अंचल सभागार में आंगनबाड़ी सेविकाओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर बाल विकास परियोजना महिला पर्यवेक्षिका जेबा काजमी ने बताया कि देश भर में पोषण और प्रारंभिक बचपन की शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से पोषण भी पढ़ाई भी की शुरुआत की गई है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 0 से 3 एवं 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए नव चेतना एवं आधारशिला के अंतर्गत प्रारंभिक बचपन की देखभाल, शिक्षा, पोषण, बच्चों के विकास के सभी आयामों पर लर्निंग सेंटर के तौर पर विकसित करने के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इस अभियान के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति, साक्षरता और संख्यात्मक कौशल में एक मजबूत नींव तैयार किए जाने को लेकर प्राथमिकता तय की गई है, जिससे 0 से 6 वर्ष के बच्चों के संपूर्ण विकास पर फोकस किया जा सके। प्रशिक्षण का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को कौशल प्रदान करना है, ताकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था में देखभाल और शिक्षा तथा पोषण सेवा प्रदान करने के लिए उनकी क्षमता का निर्माण किया जा सके। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। महिला पर्यवेक्षिका जेबा काजमी, ये हम लोगों का 3 दिवसीय एक पोषण भी पढ़ाई भी पर कार्यक्रम है, जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसमें हम लोगों को बच्चों के विकास का जो शुरुआती दौर होता है, उससे लेकर 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को सभी आयामों में किस तरह का विकास करना है, उसके विषय में किस तरह की गतिविधि करना है, उसके बारे में गाँव में एक जागरूक करना है लोगों को, उनके माता पिता को भी बुला करके उनके बीच में जागरूकता फैलानी है, ताकि बच्चे का जो विकास का क्रम वो टूटे नहीं। थैंक यू।